दीवारों मकानों अहातों से बाहर, दीवारों मकानों अहातों से बाहर, चमन और भी गुलसिता और भी है। पढ़ो और पढ़ाओ करो दिल को रोशन, उजालों की अब दास्तां और भी है। उठाओ नजर वो फलक से भी आगे, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है। आंध्र प्रदेश में एक इलाका है तेलंगाना, जहां जीवन अपने आप में एक चुनौती बना हुआ है। पानी की कमी और खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों ने यहां के किसानों को भाग्य के हाथों मजबूर कर दिया है। अनपढ़ता और गरीबी के बीच फंसी जिंदगी ने बच्चों को भी काम करने के लिए विवश किया है। इन बदहाल हालात की वजह से यहाँ के बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कोटमपल्ली रंगारेड्डी जिले का एक पिछड़ा गांव है। यहां एमवी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने एक बालिका को बंधुआ मजदूर बनने से रोकने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। वेंकटा रेड्डी यहाँ के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वे समाज के तमाम प्रतिनिधियों के साथ बालिका के भविष्य को लेकर खेत मालिक से बातचीत करते हैं। लोगों के सामूहिक प्रयास का ही फल है कि आज लगभग 15,000 बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़ चुके हैं। बच्चों के साथ काम हो रहा है, ये फ्यूचर के साथ, भविष्य के साथ काम हो रहा है, वैसा दिखा रहा है। एक लेबर के बच्चा, एक पीढ़ी, पहला पीढ़ी जब स्कूल में जाता है, उनका आनंद और उनका चेंज जो है अपने आंखों के सामने दिखता है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रेंथ दिया हमको कि हमारा सामने एक पीढ़ी को दूसरा ट्रैक में भेजने का एक माध्यम है एजुकेशन। कम उम्र में ही स्वरूपा को जीवन की तमाम कठिन सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसे जिंदगी से बहुत कम आशाएं थीं। एक दिन एक कार्यकर्ता ने स्वरूपा को बदतर हालात में देखकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। आज स्वरूपा की जिंदगी के मायने बदल चुके हैं। उसकी कठिन जिंदगी पीछे छूट गई है। वो भी सामान्य बच्चों की तरह स्कूल जा सकती है। अम्मा नाना, अम्मा नाना, उकोरोरो, उकोरोरो, उलवाचेनो, उलवाचेनो, पापा बाबा, नडवो नडवो नसप्पा, नडवो नडवो नसप्पा, नडवो नडवो नसप्पा, नडवो नडवो नसप्पा, नडवालेनो नसप्पा, नडवालेनो नसप्पा, तिरगो तिरगो तिम्मप्पा, तिरगो तिरगो तिम्मप्पा, वाना वाना। स्वरूपा के जीवन को तो आज एक दिशा मिल चुकी है, पर अभी सैकड़ों बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर हैं। इस स्थिति को बदलने में साक्षरता से जुड़े कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जन चेतना से जुड़े अभियान के तहत इन कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए नए तरीके अपनाए। एक ओर जहां साइकिल रैलियां निकाली गईं, वहीं जगह जगह प्रदर्शन भी किए गए। इसका नतीजा है कि आज इस कार्यक्रम से लगभग
7000 सक्रिय कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आज इन्हीं की ही कोशिशों का परिणाम है कि रंगा रेड्डी जिले के 15 गांव बाल मजदूरी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। हम लोग अभी एक ग्रुप को हम लोग खुद कर रहे हैं। अगर इसके आगे करने का है कि कम्युनिटी जो गांव में हर एक कम्युनिटी ये चीज़ को ये प्रोग्राम को खुद लेना चाहिए। अभी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए। जब भी हमारा अल्टीमेट गोल पूरा होगा, जब तक वो लोग पार्टिसिपेट नहीं होगा, जब तक वो स्टेक होल्डर्स वो लोग भागीदारी नहीं लेंगे, तब तक ये प्रोग्राम ऐसा दूर ही रहेगा। कामकाजी माहौल से दूर ये बच्चे अपने जीवन की पहली परीक्षा दे रहे हैं। इसी परीक्षा के बल पर इन बच्चों को आगे स्कूल में दाखिला मिलेगा। ये एक ऐसी तैयारी है जो इनके भविष्य की रूपरेखा बदलने में सहायक सिद्ध होगी। अल्लूर में स्थित ये बालिका कैंप महत्वपूर्ण उद्देश्यों से जुड़ा है। जहां एक ओर ये कैंप बच्चों के बिताए गए कठिन समय पर मरहम लगाता है, वहीं पढ़ने लिखने वाले दूसरे बच्चों के साथ बराबरी करने में मदद देता है। इन बच्चियों के इस गीत में भी इसी बात को दोहराया गया है। हमने बहुत दिनों तक बाल मजदूरी का शोषण सहा, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। वेंकट रेड्डी के लिए इस गीत का विशेष महत्व है। उनकी वर्षों की तपस्या का बयान इसी गीत में छुपा है। पर रेड्डी के जीवन में एक ऐसा भी समय आया था जब वे शोषण की व्यवस्था से जूझना तो चाहते थे लेकिन साधनों के अभाव में निराश होकर दुबई चले गए। कुछ दिनों तक तो दुबई की चमक दमक उन पर छाई रही लेकिन उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि जीवन का असली मतलब अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने में ही है। स्वदेश वापसी के बाद वेंकट रेड्डी को जिस उद्देश्य की तलाश थी उसकी सही दिशा मिल गई और जन सामान्य के बीच काम करने का उत्साह सही मायने में खुलकर सामने आया। बच्चों पर किए जाने वाले अत्याचारों की खबरें समय समय पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचती रहती हैं। ऐसी ही एक मिसाल है दुर्गा, जो शहर में अपने मालिक के घर काम करती थी। कई दिनों की भूखी दुर्गा ने जब कुछ बचा खुचा खाना खा लिया तो गुस्से में आकर मालिक ने उसका चेहरा जला दिया। आज दुर्गा का जीवन पूरी तरह बदल गया है। उसका दुखद समय काफी पीछे छूट गया है। कैंप में रहने वाली अन्य लड़कियों की तरह दुर्गा का जीवन आज सुरक्षित है। जिंदगी की मुस्कान ने इन सभी मायूस चेहरों में खुशियों के रंग भर दिए हैं। अपना कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में गर्ल्स को स्कूल जाना बहुत जरूरी है और उनका स्पेस जहाँ भी नहीं है, उनका स्पेसेस चेंज होते रहते, ससुराल होता घर होता, लेकिन इसके बीच में उनका स्पेस जो है, घर में रहे तो उनका माँ बाप का स्पेस होता, ससुराल गए तो ससुराल का स्पेस होता, उनका खुद का स्पेस जब भी होता वो स्कूल,
वो हस्ती है स्कूल में, उनके लिए हस्ती है, और वो खेलती है उनके लिए, उनके लिए करने का स्पेस है, जगह है स्कूल। तो ये स्कूल से उनका एक इंडिविजुअलिटी बाहर आ जाएगा और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगा गर्ल्स का। पुलकल गांव में ग्राम सभा का एक हैंडपंप कई दिनों से खराब चल रहा है। संगम नाम के औरतों के एक सक्रिय ग्रुप ने हैंडपंप की मरम्मत का काम अपने जिम्मे लिया है। अनुसूचित जाति से संबंधित इन औरतों को महिला समाख्या कार्यक्रम के दौरान हैंडपंप की मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया है। आज इसी ट्रेनिंग की वजह से गांव की औरतें पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम ने इन औरतों का हौसला बढ़ाया है और आज वे इसी आधार पर जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। సంఘ పెట్టుకున్నాక ముందు మాకు ఏమి కూడా తెలియలేదు మాకు पहले तो हमारी हालत काफी खराब थी। न तो हम कहीं आ जा सकते थे और न ही बीमारी में देखभाल के लिए कोई डॉक्टर था। सभी सुविधाओं से हमें दूर रखा जाता और पुलिस भी हमारी सहायता नहीं करती। पर संगम बनने के बाद आज हालात काफी बदल गए हैं। मंडलम ऑफिस తెలుసు, మండలం సారు తెలుసు, మాకు పోలీస్ కూడా తెలుసు, మాకందరూ కూడా తెలిసిపోయారు, మా గచ్చిగా అయిపోయినాం మేము। कुछ समय पहले तक इन अनुसूचित जाति की महिलाओं का गांव में कोई अस्तित्व नहीं था, ना तो ग्राम पंचायत का कोई सहारा था और ना ही गांव के अन्य वर्गों का। गुजर बसर के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद भी दो वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। इस बदहाली में सम्मान की जिंदगी जीना नामुमकिन था। इन औरतों के हालात में तब्दीली तब आई जब आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी की कार्यकर्ता उनके गांव आई। शुरू में तो गांव की इन औरतों ने कार्यकर्ता को शक और संदेह की नजर से देखा, जिसका मुख्य कारण था आसपास के इलाकों में नक्सलवादी गतिविधियों का आतंक। पर बाद में कार्यकर्ता की बातों से न केवल इनके शक का दायरा टूटा बल्कि उससे ये औरतें जल्द ही घुलमिल भी गईं। बातचीत के दौरान इन औरतों ने अपनी परेशानियों का खुलकर बयान किया। जहां राशन कार्ड की समस्या उभर कर सामने आई, वहीं पक्का घर ना होने की मजबूरी को भी सामने रखा गया। कार्यकर्ता ने सुझाव दिया कि औरतों की समस्या का हल तब तक नहीं होगा जब तक वे एकजुट नहीं होंगी और पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं। औरतों ने कार्यकर्ता के सुझाव को माना। घर के कामकाज और खेतों में मजदूरी करने के बाद इन औरतों ने पढ़ने लिखने के लिए समय निकाला। I
एक बार 5 दिन तक हमने धूप और बारिश में दिन रात मजदूरी की, तब भी हमें एक पैसा नहीं मिला। जब हमने शिकायत की तो एक अधिकारी ने हमें डराया और पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। पर इस बार शिक्षा का सहारा हमारे पास था। हमने डट कर उस अधिकारी का मुकाबला किया और अपना हक हासिल किया। कोई गल्लबाट नहीं, गल्लबाटी बोल रुंडा गोड़ दी लेडी सतन गेलवान वाले कोई। संगम की औरतों के सफल प्रयासों को देखते हुए उन्हें गांव को पशुओं के अस्पताल तक जोड़ने वाली एक सड़क को बनाने का ठेका दिया गया। औरतों ने इस अवसर का सही इस्तेमाल किया। पुरुषों की अपेक्षा कम समय लेकर इन्होंने मजबूत सड़क का निर्माण किया। सबके हित में बनाई गई इस सड़क ने संगम की औरतों को समाज में उनका सही स्थान दिलाया। आज हम बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। रंगा रेड्डी के महिला शिक्षण केंद्र में अंजम्मा नाम की इस लड़की को भर्ती के लिए लाया जा रहा है। 12 साल की अंजम्मा बाल विवाह की शिकार है। पति के छोड़ने के बाद उसकी जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, यहाँ तक कि सगे संबंधियों ने भी उससे नाता तोड़ लिया। केंद्र की कार्यकर्ता अंजम्मा से इस घटना के बारे में पूछताछ करती है। केंद्र की जानकारी में आने वाली ये कोई पहली घटना नहीं। आए दिन बाल विवाह से संबंधित समस्याओं से यहाँ के कार्यकर्ता जूझते रहते हैं। अंजम्मा से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने पर पता चला कि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। अब कार्यकर्ता को ये तय करना है कि अंजम्मा को किस कक्षा में पढ़ने के लिए बिठाया जाए। महिला शिक्षण केंद्र किशोर उम्र की बालिकाओं और नवयुवतियों तक शिक्षा पहुंचाने का एक सफल प्रयास है। छात्रावास के होने से ये बालिकाएं यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्वास्थ्य, साफ सफाई तथा व्यावसायिक ट्रेनिंग से जुड़ सकती हैं। इसके अलावा पर्यावरण निर्माण, महिलाओं के हक और राजनैतिक प्रक्रियाओं की जानकारी पर भी विशेष जोर दिया जाता है। यहाँ आने वाली अधिकतर लड़कियाँ या तो पढ़ाई लिखाई से महरूम रही हैं या फिर बाल विवाह की शिकार। केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहाँ रहकर ये बालिकाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और आगे चलकर समाज के मार्गदर्शन में भरपूर सहयोग दें। शुरू शुरू में किसी भी बालिका के लिए यहाँ के माहौल में रम पाना जरा मुश्किल होता है। ऐसे में घर की याद आना स्वाभाविक है। Thank you.
अंजम्मा की अपने करीबी लोगों से दूर नए चेहरों से ये पहली मुलाकात है। धीरे धीरे ही इन लोगों के करीब आना संभव होगा। ऐसे में कार्यकर्ता के कुछ शब्द ही दिलासा देते हैं। केंद्र बालिकाओं को पढ़ाई लिखाई के अलावा रचनात्मक कार्यों से भी जोड़ता है। इनकी कला को देखकर बच्चियों की भावनाओं का अंदाजा लगाया जा सकता है। सुंदर घर, पेड़ पौधे, फल फूल इनकी कला का हिस्सा बनते हैं। इस कलात्मक रवैये से कार्यकर्ता इन बालिकाओं के मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं। शायद ये वही सोची गई कल्पनाएं हैं जिन पर ये सपनों का महल बनाते रहते हैं। किशोर उम्र की इन लड़कियों को सजने संवरने का बेहद शौक है, लेकिन अंजम्मा के लिए सजने संवरने का अर्थ दूसरा है। कभी उसे भी विवाह के अवसर पर सजाया गया था, तब उसे इस सब का अर्थ ठीक से मालूम भी नहीं था। और एक दिन सजने संवरने का अर्थ हमेशा के लिए बदल गया। अंजम्मा का पति उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया। अंजम्मा अकेली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ घटा हो। यहाँ रहने वाली तमाम लड़कियों की कहानी इससे अलग नहीं। शिक्षण केंद्र के खुशगवार माहौल ने इनकी पिछली दुखद यादों को मिटा दिया है। आज पढ़ाई लिखाई ने इनके विश्वास को और मजबूती दी है। समाज के तमाम तरह के बंधनों से मुक्त ये बालिकाएं पढ़ लिख कर अपने भविष्य को एक मजबूत आधार दे सकती हैं। आंध्र प्रदेश की इस कहानी से पता चलता है कि मनुष्य यदि ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। शोषण के खिलाफ बाल मजदूरों के लिए लड़ी गई इस जंग ने हजारों बच्चों का जीवन संवारा है। इस सराहनीय कार्य में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने एक ऐसा जन अभियान छेड़ा है जो आगे चलकर देश की नई पीढ़ी को जन जागृति से जोड़ेगा।
संगम की औरतों ने ये सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं यदि एकजुट होकर काम करें तो हर मुश्किल आसान है। आज वे खुद के बलबूते पर अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की ताकत रखते हैं। शिक्षा ने उनके जीवन को सही मायने में बदल दिया है। शिक्षण केंद्र की बालिकाओं ने अपनी पुरानी यादों पर एक परत डाल दी है। आज उनके अंदर एक नई उमंग है। आगे चलकर यही उत्साह उन्हें समाज की बागडोर संभालने में मदद देगा। साक्षरता के क्षेत्र में उठाए गए कुछ ऐसे ही कदम देश के भविष्य में भागीदार बनेंगे।